ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए 23 जनवरी 1973 के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संपूर्ण मूरत बनने के 4 स्तंभ। बच्चों के सदा स्नेही सहयोगी सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो वह बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूरत बनने के लिए ये 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में हैं, वो कौन सी हैं? एक तो बाप दादा ने हम सबको संपूर्ण बनने के लिए कहा है, क्योंकि हम जो कुछ प्रसारित कर रहे हैं संपूर्ण बनने के लिए कर रहे हैं। अब संपूर्ण का अर्थ होता है फुल। कोई चीज़ फुल से कम हो उसको पूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण नहीं कह सकते। समर्पण होता है और एक होता है संपूर्ण समर्पण। तो फुल मैंने फुल, जैसे चंद्रमा जो है आकाश में जिस दिन फुल होता है उस दिन सबकी दृष्टि ना चाहते हुए भी चंद्रमा की तरफ जाती है। तो बाबा चाहते हैं कि हम संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण से ज़रा भी कम होगा तो परफेक्शन नहीं रहेगी। अब उसके लिए बाबा ने कहा कि 4 बातें हैं। तो हम लोग भी जो हम ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को, बाबा का मिला हुआ, उसमें योग के 4 स्तंभ बताते हैं ना। तो ये जो 4 स्तंभ अब बाबा बताने वाले हैं संपूर्णता के, 4 स्तंभों का क्या महत्व है? कि कोई भी चीज़ अगर 4 पिलर्स पे खड़ी रहती है तो स्थीरियम रहती है, अर्थात वो अडोल रह सकती है, अचल रह सकती है। जैसे मोटर कार है, उसके 4 पहिए होते हैं तो खड़ी रह सकती है अपने बल पर। उसकी बजाय अगर मोटरसाइकिल 2 पहिए वाला है, वो अपने बल पर खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो तो 2 पिलर पर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, 4 पिलर लगाएंगे। तो इसलिए 4 स्तंभों का भाव अर्थ ये है कि चारों तरफ से मजबूती। यूं भी कहा जाता है ना, किसी चीज़ को पक्का करना हो, आपने कुछ गाड़ना है तो 2 तरफ पक्का करोगे तो भी पक्की नहीं होगी, अगर चारों तरफ से पक्की करोगे तो मजबूत होगी। इसलिए बाबा ये 4 स्तंभों पर जोर दे रहा है। बाबा ने कहा वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, महादानी मुहूर्त और चौथा याद मुहूर्त अर्थात तपस्वी मुहूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब ये देखो, अपनी मुहूर्त में ये चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती हैं व अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती हैं। इसमें बाबा ने जो हम नॉर्मली 4 सब्जेक्ट कहते हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ज्ञान, उसके बाद हम कहते हैं योग। तो बाबा ने योग की बजाय धारणा गुण धारणा ले आए हैं, यानी गुण मूरत। ज्ञान के साथ अगर ज्ञान के गुण नहीं हैं तो पब्लिक को, दूसरे सुनने वालों को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो योग है वो आपकी अपनी चीज़ है। तो दुनिया के लिए जैसे होता है कोई चीज़ प्रेजेंटेबल हो, उसको दिखाई दे तो गुण,
तो गुण ही ज्ञान को सिद्ध करते हैं। आप देखेंगे गुण का इतना महत्व है कि सतयुग में गुण ही गुण होते हैं, वहाँ ज्ञान शब्द रहता ही नहीं, ना धारणा रहती ना सेवा रहती है, सर्वगुण संपन्न आता ना। इसलिए बाबा ने प्रायोरिटी दे दी कि ज्ञान का सीधा फल होना चाहिए गुण, ज्ञान मूर्त गुण मूर्त। फिर तीसरा जो बाबा ने कहा महादानी, अब बाबा ने सेवा को तीसरा नंबर दे दिया कि महादानी। सेवा का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास गुण है ज्ञान है उसको देते रहो बांटते रहो। अब बाबा ने कह रखा है कि अपने ब्राह्मण परिवार में ज्ञान दान नहीं करना है, गुणों का दान करना है, क्योंकि ज्ञान उनको भगवान से मिल रहा है। दुनिया वालों को आपने दोनों का दान करना है। तो महादानी शब्द से सेवा एक होता है दान, एक होता है महादान। तो सेवा को और ज़्यादा हमारी समझ में लाने के लिए महादानी, और बाबा योग को लास्ट में ले आए हैं, जिसमें बाबा ने क्या कहा है याद मूर्त अथवा तपस्वी मूर्त। तो याद भी साधारण याद नहीं, तप करने वाले। सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहो, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। अब देखिए ज्ञान मूर्त अगर सदा ज्ञान का सिमरण करता रहेगा तो व्यर्थ का सिमरण होगा नहीं, व्यर्थ निकल जाएगा। नकारात्मक नेगेटिव को तो छोड़ ही दो। तो बाबा ने ज्ञान मूर्त का भी प्रैक्टिकल रूप बताया कि बुद्धि में ज्ञान का सिमरण होता रहे, वाणी से भी ज्ञान की ही बातें निकले, रतन निकले, पत्थर ना निकले। और इसी प्रकार से बाबा कहते हैं व्यवहार में हर चीज़ में लगे कि ये ज्ञानी तो आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति समझदारी से चलता है, कहते हैं ना ये समझदार व्यक्ति है। कोई कुछ नई नादानी से चलता है, कहते हैं ना समझ है। तो अब हमको समझदार का प्रैक्टिकल दुनिया को दिखे, हर बात में ये समझदार है, मर्यादा में चलता है। और इसका जो साक्षात्कार बाबा ने कहा नॉलेजफुल, यानी साक्षात्कार दूसरों को पता लगना चाहिए। हम ज्ञान स्वरूप हैं, अपने अंदर बैठे हैं घर में, हम ठीक है, हम अपने समझते हैं कि हम भाषा बोल नहीं, दूसरों को प्रत्यक्ष साक्षात्कार में तो दिखे, दिखाई दे, एविडेंटली उनको लगे कि ये ऐसे हैं। इस प्रकार से मन वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अब तीनों को बाबा ने कंबाइन कर दिया है कि बाकी जो तीन सब्जेक्ट थे वो भी मन वाणी कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, अर्थात दूसरों को उनका साक्षात्कार हो कि ये गुण मूर्त भी है, ये महादानी मूर्त भी है और ये तपस्वी मूर्त भी है। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास 6 मास 9 मास का इम्तहान लेते हैं, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ईश्वरी पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए ये विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन साक्षी बन अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। बाबा ने कहते मास किस लिए मिला है कि जैसे पढ़ाई एग्जाम से पहले होता है ना कि रिवाइज करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, कुछ कमी है किसी सब्जेक्ट में उसको पूरी करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि काफ़ी समय तो हो गया है, पढ़ाई तो लगभग पूरी मिल चुकी है, सब्जेक्ट सिलेबस तो पूरा हो गया, क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए हैं, अव्यक्त हुए भी 4 वर्ष हो गए हैं। अब बाबा कहते हैं कि ये जो मास मिला है जिसमें आपको स्मृति मास कहते हैं, इसमें आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करो। और बाबा ऊपर से हमको आकर के यही बता रहे हैं क्या क्या चीज़ तुमको देखनी है। तो स्कूल में भी ऐसे ही होता है, अब 9 मास की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब फाइनल से पहले के जो 3 मास है 1/4 पीरियड जो रहा है इसमें तुमको कंप्लीट करना है, आप ही चेक करना, आप ही चेंज करना। ये सारी मुरलियों से लगता है कि बाबा ने
साकार रूप में अपने ऊपर कितना गहरा अटेंशन, ये सारे बाबा के अनुभव की बातें आ रही हैं। क्योंकि जब स्कूल के इम्तिहान और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बीच में एक पीरियड होता है, उस पीरियड में टीचर नहीं पढ़ाता, उस पीरियड में बच्चे स्वयं अपनी रिवीजन करते हैं और जहाँ जहाँ कम समझते हैं उसमें गाइडेंस लेते, स्पेशल ट्यूटर भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे अब अपना स्पेशल ट्यूटर समझो, अब मेरे से व्यक्त रूप में तुम गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन अब तुमको खुद रिवाइज करना है और प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई की प्रत्यक्षता, कोई भी चीज़ जब तैयार होने के लायक होती है तो उसकी प्रत्यक्षता होती है। आप कोई मिठाई भी बना रहे हों तो जब वो नियर रेडी हो जाती है तो उसका खुशबू फैल जाता है, उसका रूप भी ऐसा लगता है कि अब दिखने लगती है कि क्या बन रहा है। फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं, ये मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब ये थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। यानी बाबा ने कहा है कि कुदरती आपको समय मिला है, जैसे होना तो ये चाहिए था जब बाबा संपूर्ण हुए तो साथ बच्चे भी संपूर्ण हो जाए। कहा था ना तुम्हारे साथ रहेंगे, पर ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा ही है, तो उसने संपूर्ण बन के कहा अगर मेरे साथ ही सब संपूर्ण हो जाए तो ड्रामा में ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर सारे सज्जू की याद में आ जाएंगे। लेकिन ड्रामा ऐसा नहीं है, नियम के अनुसार आगे पीछे होता ही है। अगर किसी स्वर्ग का गेट भी है, मान लीजिए स्वर्ग का द्वार है, उसके अंदर से निकलना है, आप देखेंगे कि स्वर्ग के द्वार में से सज्जू की 9 लाख प्रजा और महाराजा महारानी निकल सकते हैं। 33 करोड़ प्रजा जो त्रेता युग की है वो उसके साथ ही तो नहीं निकल सकती, निकलना भी चाहेंगे तो नंबर वाइज बन जाएंगे, आखिर कोई तो पीछे निकलेगा ना। उसी हिसाब से बाबा कहते हैं सेटिंग ही ऐसी होती है, हर चीज़ में फर्स्ट फर्स्ट ही होता है, सेकंड में 2 गिने जाते हैं, थर्ड में 3 गिने जाते हैं, रेशो बन जाती है। हमेशा किसी चीज़ का फर्स्ट क्वालिटी होगा थोड़ा होगा, सुपर क्वालिटी तो बहुत ही थोड़ा होगा, फिर सेकंड क्वालिटी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड क्वालिटी में सब बाकी आ जाएगा। उसमें भी ग्रेड होते हैं, वकील बनेंगे तो वकीलों में भी थर्ड तरह के वकील होते हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल से गुजारा चलाते हैं, लेकिन वकील तो है ना, कैटेगरी में तो आ गए। इसी तरह बाबा कहते हैं अपने को चेक करना है, मैं इस ग्रेड से उस ग्रेड में कैसे जो क्वालिटी धारण करनी करके चेंज भी कर सकते हैं। तो बाबा पूछते अपना रिजल्ट देखा है, जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है, इसका रिजल्ट क्या समझते हो, कितने मार्क्स देंगे? भले हरेक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते हैं, सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना, क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? अब इसमें बाबा ने पूछते पूछते प्रश्न पूछते पूछते हमें और भी गहराई बताई है कि त्रिकालदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि ये मास जो है, महीना जो होता है जनवरी का हर साल, ये विशेष तौर पे स्मृति का मास होता है, यानी याद का मास होता है। उसमें क्या करते हैं हम सब लोग, सारे ही सेंट सेवा केंद्रों के भाई बहन, जितना भी ब्राह्मण परिवार है, वो विशेष स्मृति में आते हैं कि
कि ब्रह्मा बाबा ने के साथ हमने कैसे जीवन बताया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सारा इतिहास जो होता है अब तक का उसको अपने मन में रिवाइज करते हैं, और करते हुए और सब तरफ से अपनी वृत्तियों को हटाकर विशेष याद के या कहो तपस्या के सब्जेक्ट पर जोर देते हैं। तो बाबा ने कहा है, पूछा है कि तुम लोगों ने तपस्या की, अपना अपना तो हर एक को पता है। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं पूछता हूँ कि जो संपूर्णता की बात हो रही है, संपन्नता की बात हो रही है, फुल पास होने की बात हो रही है, तो चलो जिस सब्जेक्ट पर तुमने विशेष ध्यान दिया है उसमें ही बताओ कि फुल सब्जेक्ट में सारा ब्राह्मण परिवार कितने परसेंट तक पहुंचा है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचेंगे हमें क्या पता कि दिल्ली वाले भाई बहनों ने कितना योग लगाया, दूसरों ने कितना लगाया। तो फिर बाबा कह रहे हैं क्यों कि तुम्हें अपने जो त्रिकालदर्शी का तुमको टाइटल है, वाइब्रेशन आते हैं और समाचार भी आते हैं। माउंट आबू में हर जगह समाचार आता है कि नहीं, हम यहाँ भट्टी में बैठे ऐसे किया, इतने भाई बहन आए, हमने 24 घंटे का योग लगाया या रिले योग किया, बाबा के कमरे में दिन रात बैठे रहे, जो भी आता है। बाबा कहते समाचार को भी छोड़ो, वाइब्रेशन तुम्हें आता है, तो सारे वाइब्रेशन को देखकर कितना परसेंट समझते हो। फिर बाबा ने और उसको स्पष्ट किया कि त्रिकालदर्शी का मतलब केवल भविष्य, त्रिकाल मैंने भविष्य, पास्ट और फ्यूचर, तो केवल भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो क्या ये, भाई भविष्य में सतयुग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग का नहीं। बाबा कहते हैं वर्तमान में भी त्रिकालदर्शी, वर्तमान में क्या मतलब कि वर्तमान में भी तीन पहलू होते हैं, मैंने इस वक्त जो संकल्प किया उसका पिछले संकल्प से कितना कनेक्शन है, फ्यूचर से कितना, इतना हर यूनिट का त्रिकालदर्शी बनना है। तब बाबा कहते हैं जैसे आज की परिस्थिति को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, क्या विनाश बिल्कुल समीप आ गया है, देखो हर प्रकार की तैयारी हो गई है, प्रकृति उग्र हो गई है, परमाणु शस्त्रों की एक्सट्रीम आदि आदि। तो इसलिए बाबा ने कहा, पूछा है कि अपने सारे परिवार का टोटल लगा के अंदाजा बता सकते हो, वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते? हाँ, बाबा कहते ये तुम्हारी वैसे क्वालिटी होनी चाहिए, मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा है, हर बात में तुम्हें वाइब्रेशन और वायुमंडल से परखना चाहिए। और इसमें एक और गहराई ये है कि जो व्यक्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल के प्रभाव में आता है वो ये काम नहीं कर सकता, जो उसके प्रभाव से मुक्त है बल्कि उसको प्रभावित करता है वो ये काम कर सकता है। यानी जब स्वयं ही वायुमंडल के प्रभाव में आ गया, वो वायुमंडल की परख क्या करेगा, वो तो उसके दबाव में आ गया, अधीन हो गया। इसी तरह से वाइब्रेशन है, चारों तरफ के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ गया। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, कभी कोई सभा लगती है मान लो साधु महात्माओं की, तो बच्चों को प्रभाव में आ जाए कि उनके बड़े बड़े उनका बड़ी सामग्री होती है, बड़ा पेशगीर होता है, तो देखकर तो बच्चा अपना ज्ञान ही नहीं बोल सके। तो बाबा कहते हैं जो प्रभाव में नहीं आएगा वही बोल पाएगा, और फिर उनको प्रभावित करें तो वो तो ईश्वरीय ज्ञान में लवलीन होके बिल्कुल न्यारा होके बोल सकता है। तो हर बात में बाबा ने ये समझाया। जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति हर विधि को जान सकते हैं, हाँ, बाबा ने एग्जांपल दिया, हाँ, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? अब साइंस ने क्या, साइंस तो क्रिएशन है, यहाँ से कोई वो रॉकेट छोड़ते हैं, कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हर चीज़। गति मैंने होता है स्पीड, और विधि मैंने किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो गतिविधि, हमारी भी गतिविधि का जनरली कहा जाता है तुम्हारी गतिविधि क्या है, तो गति मैंने स्पीड, किस स्पीड से चल रहे हो, क्या राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो दोनों चीज़ें साइंस वाले कर सकते हैं। तो आप यहाँ से परमात्मा को याद करने बैठे शिव बाबा को या सूक्ष्म वतन में गए, तो आप अपना चेक नहीं करते क्या कि मेरा मन जो है सीधा एक सेकंड में भगवान के पास पहुंच रहा है या रास्ते में इधर उधर हो जाता है, बृहस्पति की जगह शनि ग्रह की तरफ चले जाता है,
हैं, योग की बजाय किसी और तरफ चले जाता है, तो ये तुम्हारी शक्ति होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा है लास्ट में जानेंगे क्या, हाँ ये, हाँ। जब आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ। अभी से जानने का अभ्यास होना चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। ये शब्द है कैचिंग पावर। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों, शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो। ये कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यानी बाबा कहते हैं कि परख शक्ति, कैचिंग पावर, जितना जितना आप याद में रहेंगे उतनी उतनी आपकी बढ़ेगी। बिना किसी के बोले आप उसके भाव को जान लेंगे। आने वाली कोई परिस्थिति है उसको भी इन एडवांस, जिसको प्रीमोनिशन कहा जाता है, पूर्वाभास आपको हो जाएगा, ये निशानी है। उसी संदर्भ में बाबा ने ये जनरल क्वेश्चन पूछा है। ये साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है। क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं तो सूक्ष्म चीज है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस इस बात को एक्सप्लेन करती है। जैसे गर्म को ठंडा करना, ठंडे को गर्म करना इंस्टेंटली, बाबा कहते हैं आप भी सूक्ष्म में अपने को जब चाहे शीतल बनाना हो शीतल बना सको, आपने उमंग उत्साह में आना हो ला सको, वो सारी बात है। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको सेंट परसेंट कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। ये सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है। वो देगी। अगर ये चारों सब्जेक्ट में संपूर्ण स्टेज होगी तो ये सिद्धि दिखाई देगी कि आपको पूर्वाभास हो जाएगा, आप हर चीज़ को कैच कर सकोगे। बाबा कहते अब कंपेयर करो कि आज की स्टेज में ये सिद्धि है। इसी के अनुसार बाबा ने प्रश्न पूछा था। कुछ परसेंटेज में दिखाई देती हैं या ये स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती हैं। यूं तो इस मास के रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही, अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। इतने समय याद में रहे, बाबा कहता है उस साइलेंस में रहे, जैसे साइंस साइलेंस में साइंस वालों की इन्वेंशन सामने आती है ना। इसी प्रकार से कोई नए प्लान आपके अंदर इमर्ज हुए इस पीरियड में? जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले ये दो मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगाड़े बजाने हैं। जिन नगाड़ों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाएं, चारों ओर ये आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है? ये जो दो चीजें हैं, ये परमात्मा की आवाज, उसका मैसेज, और इस समय कौन सा पीरियड चल रहा है, श्रेष्ठ कर्म कैसे चल रहा है, ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, कुंभकर्ण तो एग्जाम्पल है, आत्माएं तो दुनिया की सोई हुई है ना, वो तो अपने में मस्त हैं या वो भयभीत हैं, तो उनको बाबा कहते हैं याद की शक्ति जो तुमने सारा महीना संगठित रूप से भरी, अकेले अकेले भी नहीं भरी, संगठित रूप से, उस शक्ति का प्रयोग करो
अगले 2 महीने में ऐसा कोई प्लान बनाओ, नगाड़ा बजाओ, आवाज़ करो, ताकि नगाड़े से कोई सोया हुआ जागता ना, सिंपल आवाज़ से के नहीं जागते, तो ज़ोर से बोलना पड़ता, जैसे बादल गरजता है। तो नगाड़ा बजाओ, किस बात का नगाड़ा बजाओ, ये किसकी आवाज़ है, किस भगवान की आवाज़ सुनो। और दूसरा कि ये समय कौन सा, इस समय श्रेष्ठ कार्य चल रहा है, ताकि वो सोए ना रह जाए। कहते ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत, लेकिन उसको जगाएगा कौन, ये काम तुमने करना है। हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अब ही बना सकते ले सकते हैं। ऐसे चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हरेक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। फिर रिजल्ट सुनाएंगे कि इस रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। ये बाबा ने सेवा का बताया है, महादानी बनो, ठीक है। चांस भी बहुत अच्छा है, शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया, अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो, सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली, अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली, अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सम्मुख लाओ, बाप के समीप लाओ। अब बाबा ने कहा कि कोई भी कोई एनर्जी पैदा करता है, कोई भी कोई शक्ति धारण करता है, तो शक्ति का प्रयोग होना चाहिए ना। व्यक्तिगत रूप से हम सब ने योग लगाया इस महीने में, संगठित रूप से तो बहुत संगठित शक्ति योग की धारण की, अब संगठित योग की शक्ति जो धारण की है उसका प्रयोग करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग का प्रयोग अवश्य का योगी प्रयोगी होना चाहिए। हमारा नाम है कर्म योगी, तो अब तुमने इतना योग 1 महीने में इकट्ठा किया योग बल, अब उस योग बल से क्या करो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप ने तुमको प्रत्यक्ष फल दिया, योग के फल स्वरूप शक्ति दी, अब तुम इस शक्ति को यूज़ करके फल पैदा करो, अर्थात अन्य आत्माओं को भी जैसे बाबा ने बताया ऐसा प्लान बनाओ, रेस करो। योग में भी तो रेस की ना, मैं और आगे जाऊँ, ऑटोमेटिकली रेस हो जाती है जो जितना योग लगाता है। बाबा कहते रेस नहीं करनी तुमको, रेस करनी है। ऐसे ही सेवा के प्लान में भी रेस करो, और ऐसे प्लान बनाओ जो ये सोई हुई आत्माएँ हैं इनको संदेश मिले, क्योंकि बाबा ने तुम्हारी पालना की साकार रूप में की, अव्यक्त रूप में 4-5 साल हो गए हैं, अब तुमको भी अन्य आत्माओं को जगाकर, उनको दिव्य जन्म देकर, उनकी पालना करके परमात्मा के रास्ते में लगाना है। बाबा कहते उसका रिजल्ट देखेंगे, मौका बहुत अच्छा है क्योंकि शिव जयंती आ रही है। आमतौर पर जनवरी के 2 महीने के बाद शिव जयंती आती है, तो शिव जयंती हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, हम शिव का परिचय दे सकते हैं। दुनिया वाले जो हैं देवी देवताओं के अंदर उनको याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते श्री कृष्ण जी का तो देहधारी रूप था, निराकार भगवान गीता का शिव है, वो प्रत्यक्ष करो ताकि लोग उनसे अपना प्राप्ति कर सकें। ड्रामा में अब ये जो समय चल रहा है, अथवा अभी का जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है। कहते हैं साल भर है ना, जनवरी से तो साल शुरू होता है, तो हमारा तो अलौकिक कार्य है, तो
तो हर वर्ष में कुछ ना कुछ नई बात, नई चीज़ निकलती है, अलौकिक चीज़ अनुभूतियाँ होती हैं। बाबा ने कहा एक महीना तो तुमने याद का बल भरा, अब बाकी महीनों में बड़े बड़े विचित्र अनुभव करेंगे, विचित्र सीनरियाँ सामने आएंगी, उसका बाबा बता रहे हैं। अब बहुत जल्दी नए नए नज़ारे, नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। अब इसका मेन बात यह है, बाबा कहते हैं एक तो बाबा आके हमसे मिलन मनाते हैं, निराकार लोक से, अव्यक्त लोक से आकर के, वो तो थोड़े समय का होता है, लेकिन बाबा कहते हैं सारा वर्ष तो बाबा नहीं आते, बीच बीच में आते हैं। तो ऐसे अनुभव प्रैक्टिस करो जो अपने बुद्धि बल से जैसा मौका आए, जैसी परिस्थिति आए, वहाँ व्यक्तिगत तौर पर भी बाबा से मिलन मना करके, बाबा से शक्ति लेकर, गाइडेंस लेकर के आप उस कार्य को कर सको। यानी हमें बाबा तैयार कर रहे हैं कि हर आत्मा फाइनल स्टेज निराधार होकर, यानी ये तो आधार हो गया ना, बाबा आए और हमें मैसेज दे, स्वयं भी ये वाइब्रेशन कैच करने की शक्ति धारण करें। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया, जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो उस समय उस रूप से मिलन मिलाने का अनुभव कर सकते हो। हाँ। क्या ये प्रैक्टिस हो गई? हाँ। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना, तरीका तो सभी को आ गया है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस याद की यात्रा में की ना, एक महीना जो याद किया तो अनुभूति तो हुई ना कि कैसे हम अव्यक्त वतन में जा सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं, उसको बढ़ाओ। ये तो बहुत सहज तरीका है, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तीन लोक हैं, तो बहुत सहज तरीका है, क्योंकि कई अव्यक्त स्थिति को पा करके अव्यक्त मिलन मनाने की सूक्ष्म जो विधि है उसको नहीं समझ पाते हैं। वो ये तो समझ लेते हैं कि बाबा आया, बाबा ने आके हमको सुनाया, कहीं तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म मिलन है, बाबा कहते इतना आसान है, जैसा देश वैसा वेश। आपने अकारी मिलन करना है तो अकारी रूप में सूक्ष्म लोक में आ जाओ, लेकिन उसमें साकार की स्मृतियाँ नहीं होनी चाहिए। निराकारी मिलन करना है तो अपने आत्मस्वरूप में, आत्मा के लोक में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसा करने का अभ्यास बढ़ाओगे तो आपका मिलन सहज हो और जब चाहो कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई क्यू नहीं है, समय की सीमा नहीं है, आगे पीछे नहीं है, हर आत्मा जब चाहे ये मिलन मना सकती। तो बाबा तो हमें इसी के लिए तैयार कर रहे हैं ना। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अब देखो बाबा कहते दुनिया के लोग भी जिस जैसा मौका होता है वैसी ड्रेस पहनते हैं कि नहीं, खुशी के मौके पे और तरह की ड्रेस पहनते हैं, कहीं शोक सभा में जाना और पहनते हैं, अपने प्रोफेशन में जाना हो तो और ड्रेस पहनते हैं, रात को सोना हो तो और ड्रेस पहनते हैं। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आप भी तो बहुरूपी वो भी बनते हैं ना, तो आप भी बहुरूपी नहीं कर सकते हो। दुनिया के लोगों तो नकली भी करना पड़ता है, किसी के खुशी के मौके पे जाएंगे, अंदर से अपने अंदर खुशी ना भी हो तो मुस्करा करके उसका मुबारक तो देंगे ना। इस प्रकार बाबा कह रहे हैं अभी अभी साकारी
अभी अभी आकार, जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है। कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़ी धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण हो सकते हैं। तो ये अपना ही तो रूप है, सहज है ना। ड्रामा अनुसार ये विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंदा हुआ है। बाबा ने कहा अभ्यास का भी मौका ड्रामा ने आपको दिया है, जो बाबा अव्यक्त हुए हैं, ताकि हम भी उस अव्यक्त स्थिति को धारण कर सके। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? टच होता है। जो भी सभी बोल रहे हैं, सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित हो ना, व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब बाबा कहते हैं इस समय जो भी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि बैठे ही उस स्थिति में है, तो ठीक उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, जैसा देश वैसा वेश। अगर हम सूक्ष्म शरीर में चले जाएं, तो हमें बिना आवाज़ के इशारे से सब बात समझ में आएगी। जैसे आप सपने में देखते हैं, आवाज़ तो नहीं होती पर हर बात समझ में आती है, इसी प्रकार से सूक्ष्म लोक में अशरीरी बन के अभ्यासी बनेंगे तो कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, इशारे की बात समझ जाएंगे, वहाँ आवाज़ होती नहीं। मान लो लिप लैंग्वेज होती है, तो बाबा कहते हैं समझ तो जाते हैं सारी बात को। ऐसे ही बाबा कहते हैं शरीर से अशरीरी, अशरीरी से शरीर में आना, फिर शरीर में भी यहाँ भी जो आप स्थूल कार्य करोगे, उसमें जैसी जैसी परिस्थिति होगी वैसा करने लग जाओगे तो कंफर्टेबल रहोगे। होता यही है कि परिस्थिति बदल जाती है और आप अपनी स्थिति नहीं बदल सकते, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो बाबा कहते हैं अभ्यास करो। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। हाँ। तो अब वर्तमान समय चल रहा है, ये सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है। आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को, इसी अनुभव को जो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा है, बाबा ने हमें समय की पहचान कराई है कि अब ड्रामा का सीन तेज़ी से चेंज होगा, और पहली चेंज तो ये होगी कि आपको अव्यक्त मिलन का अनुभव बढ़ाना है, ताकि आप जिस समय जिस परिस्थिति में हो, क्योंकि सभी आत्मा व्यक्तिगत हैं, कोई कलकत्ते में रहता है, कोई लंदन में रहता है, तो बाबा कहते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार, किसी की कोई स्थिति है उसमें आप गाइडेंस लेके चल सको, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रेरणा लेके चल सको, बल्कि आपको ऐसा फील हो कि हमें राय श्रीमत डायरेक्ट मिल रही है, इस अनुभूति को तुमने बढ़ाना है। क्योंकि ड्रामा का सीन दो तरह से चेंज हो रहा है, एक तो मिलन की विधि धीरे धीरे चेंज हो रही है, दूसरे संसार की परिस्थिति भी तेज़ी से बदल रही है, तो टोटल स्पीड तेज़ हो गई बदलाव की। उसके अनुसार आपको बाबा ने कहा एडजस्ट करके ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सर्व गुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प वाणी कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले, यानी पहला तो था फुल बनना, और दूसरा था ये सारी विशेषताएं बाबा ने कहा अंदर ना रहें, वो तुम्हारी प्रत्यक्ष हो, दूसरों को उसका साक्षात्कार हो, धारणा हो, उसकी अनुभूति हो। बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, क्योंकि बाबा कहते मैंने साकार में
अव्यक्त में तुम्हारी इतनी पालना की, उसका रिटर्न भी तो देना है ना। सन शोज फादर, बाप के सदा स्नेही, हाँ, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है, इसे याद की यात्रा में रहे, अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना ही शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर लेना है। याद आता है कि एक तो गीता सम्मेलन हुआ था, गीता रहस्य सम्मेलन इंदौर में, और दूसरा ये जो मेले लगने शुरू हुए वो भी 73 रामलीला ग्राउंड से हुए, स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स। हाँ जी, और उसमें जो वारिस बच्चे निकले बाबा के, जो बाबा ने कहा ना, उसके बाद ही हमारी विदेश सेवा का आरंभ हुआ। तभी बाबा ने कहा ना, हाँ, तेजी से परिवर्तन हो, परिवर्तन। ये थी बाबा की आज की मुरली। मुरली में हमने चार स्तंभ देखे, ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, महादानी मुहूर्त, याद मुहूर्त अर्थात तपस्वी मुहूर्त। और बाबा ने जैसे लिंक किया, मनन चिंतन में हमने जैसा लिंक पाया, उसका स्वरूप बनना, वही हमारा जीवन है। जिस जीवन से बाबा ने कहा कि समय की समीपता आएगी और जो अनोखे अनुभव हैं वो अव्यक्त स्थिति के हम कर सकेंगे। ओम शांति।